disguise. I come around with the perfect alibi. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में. आई होप आप सब अच्छे होंगे. मैं भी ठीक हूँ. तो सुबह सुबह का मौसम हो रखा है प्यारा प्यारा. बूंदे गिरनी स्टार्ट हो चुकी है. ये देखो बारिश आनी स्टार्ट हो गई है. मैंने सोचा आज आएगी नहीं, बट आ रही है. तो चलते हैं अंदर. मैं इधर बाहर बैठ के पी रही थी अजवाइन का पानी. ये देखो, ये दोनों बिल्ले यहाँ पे खेल रहे हैं. एक अंदर घुसा है, इसके एक बाहर था. बारिश होनी हो गई है स्टार्ट, पर कितनी ज़ोर से आएगी ये तो पता नहीं, पर स्टार्ट हो चुकी है. अच्छा लग रहा है और हवा भी चल रही है. सुबह सुबह का मौसम कितना प्यारा होता है ना, अगर बारिश आए. वैसे भी प्यारा होता है, बट आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है. मम्मी भैंस की जो चारा डाला था वो निकाले, क्योंकि वो भीग जाएगा, फिर वो खाएगी नहीं. तो यहाँ पे बिल्ले खेल रहे थे, वो भी गायब हो चुके हैं अभी. लो भाई, इतनी बारिश हुई है कि आंगन भी पूरा गीला नहीं हुआ. दोपहर के बज रखे 12:30, तो मम्मी ने मुझे कहा भिंडी तोड़ लाऊं मैं, क्योंकि ये शाम तक पक जाएगी और वो बीज भी पक्के पक्के हो जाएंगे इनके. तो मैं तोड़ लेती हूँ भिंडी. तो मैंने इतनी सारी भिंडी तोड़ ली है. अभी चलते हैं हम अंदर. आज का मौसम है बहुत अच्छा. धूप कभी आ रही है कभी जा रही है, लगभग बादल ही है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी. तो अच्छा है मौसम. अभी हम चलते हैं अंदर. दोपहर के बज चुके हैं 3 और मैं धो रही थी कपड़े, और इधर मम्मी चढ़ गई बुलेट पे और चलाने की कोशिश कर रही है बुलेट को, देख सकते हो आप. तो अभी मैं धो लेती हूँ कपड़े और मम्मी की कर देती हूँ कुछ पिक्स क्लिक. बज चुके हैं 5:30 और थोड़ी धूप कम हो गई है. कपड़े धो के मैंने तब सुखा दिए थे और भाई ने धो दिए गाड़ी और बुलेट. और मम्मी डाल रही है भैंस को चारा. अभी भी थोड़ी धूप है, गर्मी है. और ये देखिए, मैंने यहाँ पे आम की 2 गुठली लगाई थी. एक तो मैंने 2-3 दिन पहले आपको दिखाई थी, उसके पत्ते भी निकल आए अभी, और दूसरा आज निकल आया. ये देखो, तो दोनों आम उग गए हैं. तो अभी मम्मी से पूछते हैं, मम्मी को कोई काम करवाना है क्या. रात के बज चुके 7:30 और आटा मैंने गूंद दिया है. अभी मैं नहला के आऊँगी भैंस को और उसके बाद नहाऊँगी. तो जाती हूँ मैं भैंस को नहलाने. जैसे ही मम्मी रोटियाँ बनाने के लिए बैठती है, ये आ जाते हैं दोनों यहाँ पे. बस यही काम रह गया है. ये बिल्ले घूम रहे मेरे पीछे पीछे, क्योंकि मैं इनके लिए लेके आई लस्सी और रोटी, क्योंकि ये दूध से ज़्यादा खुश होके तो लस्सी पीते हैं दोनों ठंडी ठंडी. लस्सी डालते ये तो लग गए पागलों की तरह खाने, जैसे बेचारे कितने जन्मों से भूखे हो. और जब ये भूखे होते हैं तो हाथ में भी आ जाते हैं देखो, वरना ये हाथ में भी नहीं आते. रात के बज चुके 10 और मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में नहा के. और मैं कर रही थी अपने रूम में लगाने के लिए कोच तैयार. तो अभी करते हैं इसको बंद, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद. और इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड. आई होप आपको पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड नाइट.